हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय बिषण आर्पिता स्वागत हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज परफेक्ट कंपटीशन इन दिस विल बी स्टार्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल इसमें विल बी स्टार्टिंग द सिक्स इक्विलिब्रियम एफिशिएंसी कंडीशंस क्या होती हैं प्रॉफिट और लॉस का शटडाउन कंडीशंस कंडीशन क्या होता है लॉन्ग रन शॉर्ट रन में दोनों में देखेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का वन परफेक्ट कॉम्पटिशन सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फॉर्म्स जो होती हैं दे आर प्राइज टेकर्स एंड दे आर नॉट प्राइज मेकर्स सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम जो इंडस्ट्री होती है इंडस्ट्री का जो प्राइज है दैट इज सेट जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करते हैं वहाँ पर प्राइस सेट हो जाता है सो दिस इज़ द केस ऑफ द इंडस्ट्री और इंडस्ट्री बनती कैसे जब बहुत सारी फॉर्म्स इकट्ठे मिल जाती हैं तो एक इंडस्ट्री बन जाती है सो so, ये सारी इंडस्ट्री जो है जो प्राइस देती है फॉर्म उसे ले लेती है सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेट कि फर्म जो है दे आर प्राइज टेकरस एंड दे आर नॉट प्राइज मेकरस तो इसलिए यहाँ पे ए आर और एम आर और प्राइस सब बराबर होता है सिन सिन की यहाँ पर कोई पावर नहीं है कि वो प्राइस सेट कर सकें तो इसलिए ए आर एम आर दोनों बराबर होते हैं इसलिए उनका कोई मार्केट में कंट्रोल भी नहीं होता है ठीक है सो so, फॉर्म्स यहाँ पे क्या होती हैं दे आर प्राइस टेकर्स एंड दे आर नॉट प्राइस मेकर्स और सिंगल फॉर्म जो है वो अपना प्राइस कहाँ से लेती है इंडस्ट्री से लेती है विच इज़ रेफर्ड एज़ प्राइस टेकर सो इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्री को बनाती है और जो मार्केट प्राइस है वो कैसे डिटर्मिन होता है जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पे हमारा सप्लाई और डिमांड मीट करता है वहाँ पे प्राइस सेट हो जाता है और वो प्राइस जो है वो फॉर्म ले लेती है इट इज़ टेकन एज गिवन बाय द फॉर्म्स और वहाँ से वो डाइवर्ट नहीं करता है ठीक so, uh, है सो शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फॉर्म्स जो हैं उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं और लॉसेज भी होते हैं प्रॉफिट्स कब होते हैं जब हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है इन दिस केस इफ़ यू सी एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है कम है जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा एवरेज टोटल कॉस्ट से सो so उस केस में देर विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ठीक है सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे और एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ पर है सिंस हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स रहते हैं शॉर्ट रन के अंदर सो इफ़ यू सी द डायग्राम ऑफ द इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री में ये जो है ये प्राइस सेट हो जाता है सो so, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट कम है जब प्राइस ज़्यादा है और एवरेज टोटल कॉस्ट कम है तो उस केस में क्या होगा देर विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और अगर ऐसे कोई सिचुएशन हो प्राइस कम हो और एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो तो देर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की शट डाउन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर एज वेल दैट इज़ एवरेज बेरेबल कॉस्ट ठीक है तो यहाँ पे तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं बिकॉज प्राइस जो है दैट इज़ मोर देन एवरेज टोटल कॉस्ट ठीक है नेक्स्ट इज यहाँ पे द सिचुएशन जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है और हमारा एवरेज वेरेबल कॉस्ट कम है तो वहाँ पे तो देर विल बी सिचुएशन अगर प्राइस ज़्यादा है एवरेज वेरेबल कॉस्ट कम है सो इन दैट केस देर विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ठीक है सो so, इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एवरेज टोटल कॉस्ट इज दिस एवरेज वेरेबल कॉस्ट इज दिस एवरेज वेरेबल कॉस्ट से ऊपर अगर प्राइस है सो इन दैट केस फॉर्म जो है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहे हैं तो फिर भी वो चलेगी ऑल तो लॉसेज हो रहे हैं बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहे हैं कि चल तो सकता है सो इन दैट केस फॉर्म जो है वो ऑपरेट करेगी ठीक है सो दैट विल बी द सिचुएशन सो लॉन्ग uh, रन में क्या होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो फॉर्म डिराइव करती हैं शॉर्ट रन में दे एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर न्यू फॉर्म्स टू एंटर इनटू द मार्केट जहाँ पे इंडस्ट्री का सप्लाई होता है जो कि इंक्रीज़ हो जाता है जैसे कि हमें पता है कि शॉर्ट रन में क्या होता है इनिशियली जब बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं अगर एक भी फॉर्म है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो और फॉर्म्स के पास इंसेंटिव है कि वो मार्केट के अंदर एंटर करेगी और एंटर करेगी तो उस केस में क्या होगा सप्लाई का फ्राइट ओवर शिफ्ट होता जाएगा जिसकी वजह से प्राइस कम होता तो चला जाएगा जिसकी वजह से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है लॉन्ग रन में वो रेडिकेट हो जाते हैं सो लॉन्ग रन में यही सिचुएशन रहती है कि जैसे शॉर्ट रन में फॉर्म्स देखती हैं एक दूसरे को कि वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही हैं तो और एंट्री होनी स्टार्ट हो जाती है न्यू फॉर्म्स की जब वो एंटर करती हैं तो हमारा सप्लाई कव राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है मार्केट प्राइस फॉल हो जाता है और नॉर्मल प्रॉफिट्स होने लग जाते हैं सो द सेम डग्राम इज़ ड्रॉन हेयर कि जैसे इनिशियली जैसे कि हम देख पा रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थे तो बहुत सारी फॉर्म एंटर करना स्टार्ट होगी तो सप्लाई कव क्या हो गया राइट वर्ड शिफ्ट हो गया ठीक है ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है दैट ऑल्सो शिफ्टेड डाउनवर्ड वो नीचे शिफ्ट हो गया ठीक है एवरेज रिवेन्यू या मार्जिन रिवेन्यू वो जब नीचे शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ हमारा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होने लगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इराडिकेट हो जाते हैं ठीक है सो द सेम इज़ गिवन हियर नाउ इकोनॉमिक एफिशिएंसी लॉन्ग रन में क्या होता है लॉन्ग रन में फर्म्स जो हैं वो ऑपरेट करती हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जहाँ पे उनकी एलोकेटिव एफिशिएंसी भी होती है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी कब होती है जब प्राइस हमारा एम के बराबर है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राइज इज दिस दिस लाइन इज़ प्राइज लाइन जहाँ पे प्राइज और एम मीट कर रहे हैं ऑन दैट वी गेट एलोकेटिव एफिशियंसी और प्रोडक्टिव एफिशेंसी कब होती है जब हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ये और दोनों बराबर जब हो जाते हैं तो इन दैट केस क्या हो जाता है हमारा प्रोडक्टिव एफिशेंसी जो है वो अचीव हो जाता है इन द लॉन्ग रन सो लॉन्ग रन में दोनों एफिशियसीज जो हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एलोकेटिव एफिशियंसी एज़ वेल एज़ प्रोडक्टिव एफिशेंसी दोनों हो जाती हैं ठीक है सो एलोकेटिव एफिशेंसी में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्राइस जो है वो एम सी के बराबर हो जाता है इफ़ दिस इज़ द प्राइस और एम सी जहाँ पर बराबर हो जाएंगे इन दैट केस विल गेट एलोकेटिव एफिशियंसी सो so, यहाँ पे एलोकेटिव एफिशिएंसी शॉर्ट रन में भी होती है और लॉन्ग रन में भी होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बिकॉज प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है एज अ रिजल्ट एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो अचीव हो जाती है एट द रूलिंग मार्केट प्राइस कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं बिकॉज नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ हम किसी को भी बेटर ऑफ नहीं कर सकते विदाउट दूसरे को वर्स ऑफ करे बगैर बेटर ऑफ नहीं हो सकते सो दिस इज़ अ कंडीशन जो कि परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन होती है ऑफ द रिसोर्सेज सो एलोकेटिव एफिशियंसी भी हो जाती है बिकॉज प्राइस जो है वो एम के बराबर हो जाता है लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों में ठीक है एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होती है जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट तो अभी हमने पढ़ाई था ठीक है मार्जिनल कॉस्ट वाज दिस और एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों जब दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज़ एम सी जहाँ पर दोनों मीट कर जाते हैं वहाँ पर प्रोडक्टिव एफिशेंसी हो जाती है वन इक्वलिब्रम जहाँ पर आउटपुट जो है प्रोड्यूस होता है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ हो जाती है एंड इट इज़ बट ये शॉर्ट रन में तो नहीं होता लॉन्ग रन में अटेन हो जाता है प्रोडक्टिव एफिशेंसी ठीक है कंपेटिटिव मार्केट के अंदर देर इज़ प्रोडक्टिव एफिशेंसी लॉन्ग रन के अंदर हो जाता है बट इन शॉर्ट रन दिस इज नॉट पॉसिबल कि एम जो है दैट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट ये नहीं होता शॉर्ट रन के अंदर बट लॉन्ग रन में एम जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है ठीक है सो दैट इज द केस सो दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड फिफ्टीन पेपर थ्री द क्वेश्चन इज ऑन द गिविन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट करेक्टली डिपेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ अ प्रोड्यूसर किस में सप्लाई कर्व जो है वो प्रोड्यूसर का होगा सो so, जो हमारा कर्व एवरेज वेरेबल कॉस्ट के ऊपर लाए करता है सो इन दैट केस दैट्स द दैट्स द आंसर कि सप्लाई कर्व ये वाला होगा ठीक है सो इफ़ आई हाईलाइट इट वुड बी दिस एरिया यहाँ पे तो प्राइस कम प्राइस कम होगा और एवरेज वेरेबल कॉस्ट ज़्यादा होगा प्राइस कम होगा एवरेज एवरेजल कॉस्ट तो वहाँ पे फॉर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी बिकॉज उनको कोई प्राइस ही नहीं मिल रहा और कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो ऑपरेशनल लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे तो फॉर्म्स जो हैं वो शट डाउन कर देती हैं अगर वो इफ दे आर इन दिस पर्टिकुलर रीजन इफ आई जस्ट हाईलाइट दैट इफ दे आर इन दिस पर्टिकुलर रीजन रीजन तो उनको लॉसेज होने स्टार्ट हो जाते हैं दर इज़ नो पॉइंट कि वो ऑपरेट करेंगी इस रीजन के अंदर ठीक है सो दे ट्राई कि वो इस रीजन के अंदर लाए करें बिकॉज यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग इफ इफ यू टॉक अबाउट दिस रीजन डी तो यहाँ पे तो दिस इज द ऑपरेशनल प्रॉफिट उसके ऊपर प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं सो so अकॉर्डिंगली जो इसका आंसर है दैट इज सी बी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है सो परफेक्ट कॉम्पटिशन के अंदर फॉर्म शॉर्ट रन की अगर सप्लाई कर्फ की बात करें सेगमेंट की दे आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट दर सो जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं दे आर डिफरेंट सेगमेंट्स अगर यहाँ से यहाँ की बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एरिया तो यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या होगा प्राइज इज़ लेस और एवरेज वेरेबल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी प्राइस कम होगा और एवरेज वेरेबल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसके इसमें क्या होता है शट डाउन हो जाती so है सो दैट्स वेट सेट शट डाउन जोन है एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रीजन इस रीजन में क्या है लॉस होगा बट फिर भी फॉर्म ऑपरेट करेगी बिकॉज प्राइस जो है वो एवरेज वेरेबल कॉस्ट से ज़्यादा है एवरेज वेरेबल कॉस्ट से ज़्यादा है फिर भी इसलिए वो ऑपरेट करेगी यहाँ पे तो प्राइस एवरेज कॉस्ट से ही ज़्यादा है तो यहाँ पे तो नो no, प्रॉफिट्स हो ही रहे हैं सो दैट्स द प्रॉफिट जोन यहाँ पे दिस पॉइंट जहाँ पे हमारा एम सी और ए सी मीट करते हैं दैट इज़ ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट और जहाँ पे हमारा एवरेज वेरेबल कॉस्ट मीट करता है मार्जिनल कॉस्ट से ठीक है एवरेज वेरेबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे मीट करते हैं ऑन दैट पॉइंट दैट इज़ द शटडाउन पॉइंट ठीक है सो दैट्स द शट डाउन पॉइंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा ठीक है सो लेट्स सी द क्वेश्चन सो क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि उन्होंने पूछा क्या था यहाँ पे दे आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स डाटा देर शट डाउन का अगर सिचुएशन की बात करें सो ए सी ए सी रीजन की अगर बात करें सो so, वहाँ पे तो फॉर्म शट डाउन कर देगी बिकॉज उनको लॉसेज हो रहे हैं ठीक है सो so, ऑपरेशन जो हैं दैट विल बी फ्रॉम सी बी ठीक है वो सेगमेंट रहेगा सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई कर्व के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं ऑफ़ द मार्जिनल कॉस्ट कव जो कि लाए करते हैं अगर एवरेज वेरेबल कॉस्ट से ऊपर लाए कर रहा है सो so वहाँ पे फॉर्म ऑपरेट करती हैं तो इफ़ दिस इज़ द एवरेज वेरेबल कॉस्ट अगर ये एवरेज वेरेबल कॉस्ट है एवरेज वेरेबल कॉस्ट के ऊपर ऊपर जो भी एरिया लाई करेगा एम की वो जो है वो शॉर्ट रन का सप्लाई कव बनता है इन कम्पटिटिव फॉर द कम्पेटेटिव फॉर्म सो बिकॉज वहाँ पर क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग गिव मार्जिनल कॉस्ट का वो पॉजिटिव स्लोप रहता है वहाँ पे और जो सप्लाई कर्व है इट इज़ बेसिकली एम सी कर्व विच डज़ नॉट एक्सटेंड बिलो अगर हम बात करें एवरेज वेरेबल कॉस्ट के नीचे अगर होगा तो वहाँ पे वो ऑपरेट ही नहीं करेगी बिकॉज बिलो दैट प्राइस फॉर्म जो है वो क्लोज डाउन कर जाएगी और सप्लाई कुछ भी नहीं करेगी बिकॉज उसको ऑपरेटिंग लॉसेज होने स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है सो देर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जो कि शॉर्ट रन में रहता है एक तो प्रॉफिट लॉस और शट डाउन मार्जनल कॉस्ट कर्व को हम तीन जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं जो कि हमने देखा बेस्ड ऑन कि वो एवरेज कॉस्ट को कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कट कर रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कर्व को कट कर रही है सो पॉइंट जहाँ पे एम सी क्रॉस करती है एवरेज कॉस्ट को उसको हम ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर भी हमने बात करी सो so जहाँ पर हमारा एम सी और ये मीट करते हैं एम सी एन ए सी दैट्स द ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट यहाँ कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता सो दैट्स बेसिकली द ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है अगर फर्म जो है वो ऑपरेट करते हैं एट द लेवल जहाँ पे आउटपुट जो है वहाँ पे मार्केट का प्राइस इज एट दैट लेवल विच इज़ हायर दैन द जीरो प्रॉफिट पॉइंट ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट से ऊपर अगर प्राइस है मतलब प्राइस ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो, तो, तो दैट इज़ प्रॉफिट वाला सिचुएशन प्रॉफिट वाला जोन सो प्राइस विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट सो फॉर्म जो है वो ऑन करेगी प्रॉफिट को ठीक है अगर फॉर्म जो है वो एग्जैक्टली एट द ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट है तो फॉर्म इज़ मेकिंग ज़ीरो प्रॉफिट वहाँ पे फॉर्म ज़ीरो प्रॉफिट कमाएगी अगर फॉर्म जो है वो अगर प्राइस जो है वो फॉल कर जाता है इन द जोन विच इज़ बिटवीन शट डाउन पॉइंट एंड द ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट और शट डाउन पॉइंट के बीच में अगर लाया करता है शट डाउन पॉइंट और ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट के बीच में अगर लाया करता है तो लॉसेज हो रहे हैं बट स्टिल वो ऑपरेट करेगी ठीक है इट इज़ दिस पोर्शन दिस दिस इज़ द पोर्शन सो दिस पोर्शन में वो लॉसेज हो रहे हैं फिर भी वो ऑपरेट करेगी सो दिस इज़ बेसिकली द रीजन रीजन विच लाए बिटवीन द ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट ठीक है अगर प्राइस जो है वो फॉल कर जाते हैं इन द रीज रीजन या जोन विच इज़ बिटवीन द शटडाउन पॉइंट एंड द ज़ीरो पॉइंट तो फॉर्म जो है वो लॉसेस कर रही है बट वो ऑपरेट करेगी शॉर्ट रन के अंदर सिंस इट इज़ कवरिंग द वेरेबल कॉस्ट हावेवर अगर प्राइस जो है वो बिलो uh, बिलो द शट डाउन पॉइंट हो जाता है मतलब एवरेज वेरेबल कॉस्ट से नीचे हो जाएगा तो वो इमिडिएटली शट डाउन कर देगी बिकॉज वो वेरेबल कॉस्ट को भी नहीं कट कवर uh, कर पा रही है ठीक है सो दीज वर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इफ द क्वेश्चनज आर रिलेटेड टू द सप्लाई कर् ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कौन सा रहेगा ठीक है

इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है दैट इज़ बेसिकली प्रॉफिट जिसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों हो जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब फॉर्म की या फॉर्म की बिल्डिंग हो गई प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हो गए जो खुद के लगे हुए रिसोर्सेज जिसको हम यूजली काउंट नहीं करते दैट इज बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि हम यूजली लेते नहीं बट इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों लिया जाता है अकाउंटिंग सिर्फ जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसे लिया जाता है सो so, एक्सप्लिसिट के अंदर चार्जेज होते हैं जो कि uh, एक इंडिविजुअल पे करता है जो कि एक फॉर्म को या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को चला रहा है फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर कैपिटल टुगेदर जो कि हम एस्टिमेट करते हैं इंक्लूडिंग द डेप्रीसीशन सो दैट इज देयर सो so, अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को दिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लीसिड कॉस्ट मीनिंग इसका ये रहता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो अकर होती है जो कि कंपनी पे करती है फॉर द यूजल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कैपिटल के लिए पे कर रही है लेबर के लिए पे कर रही है जो उन्होंने वर्कर्स रखे उनको सैलरी दे रही है सो दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इफ वी टॉक अबाउट द इम्प्लिस कॉस्ट इम्प्लीसिड कॉस्ट जो है वो अकर करती है जब कंपनी जो है वो यूज़ करते रिसोर्स जो कि बिलोंग करते ओनर एज कैपिटल या इन्वेंट्री ठीक है ऑल्टरनेटिवली हम इसे क्या बोलते हैं जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो जेब से बाहर वाला खर्चा है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लेसिड कॉस्ट जो है दैट इज़ बेसिकली इम्प्यूट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एंड कैसे इसको डिटर्मिन करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम डिटर्मिन बहुत ईजीली कर सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट को ट्रैक करना और उसको डिटर्मिन करना प्रिसाइजली बहुत डिफिकल्ट होता है और एक्सप्लिसिट uh, कॉस्ट को उसके क्या उसका प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना as well as है दैट इज़ कैलकुलेटेड बोथ बाय अकाउंटिंग प्रॉफिट एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट जो इम्प्लीसिड कॉस्ट है दैट इज़ कैलकुलेट कर जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर कैश की बात करें और एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें उसमें इट बेसिकली रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द एंटिटी की कितना एंटिटी uh, या कंपनी में से कैश बाहर गया दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें दैट डू नॉट रिक्वायर क्यों ये ये देखने की जरूरत नहीं है कि कितना कंपनी में से पैसा बाहर गया उससे हमें एम्प्लिसिड कॉस्ट का नहीं पता पता लगाया जा सकता बट एक्सप्लिसिट के केस में इट कैन बी नोन कि कितना अगर कैश गया एंटिटी से बाहर दैट इज़ बेसिकली द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ठीक है सो so इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के एक्सप्लिसिट की अगर बात करें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दिया फॉर फॉर प्रिंटिंग दैट एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ठीक है एंड इम्प्लॉइज़ को वेजेस दिए सो दीज आर बेसिकली द एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लीसिड कॉस्ट क्या होती है जैसे लेबर ही मतलब जो ओनर है वो भी लेबर का काम कर रहा है तो वो इम्प्लीसिट हो गया सो वर्क दैट इज़ डन बाय द जो ओनर ही कर रहा है एज अ वर्कर सो फॉर दैट इट इज़ नॉट वो उस चीज़ के लिए कोई सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहा है सो दैट इज़ द इम्प्लिस कॉस्ट और कैपिटल जो कि इन्वेस्ट करी गई बिजनेस के अंदर दैट इज़ ऑल्सो इन इम्प्लिड कॉस्ट और अगर हम यूज करते हैं खुद की गाड़ी कंप्यूटर फॉर पर्सनल जो कि पर्सनल इक्विपमेंट हैं बिजनेस के लिए सो दैट इज ऑल्सो इम्प्लिसड कॉस्ट ठीक है जो कि हम नहीं काउंट करते यूजअली सो दैट इज़ वाई इसे हम बोलते हैं कि इसको काउंट करना इज रियली डिफिकल्ट और अगर लॉन्ग रन मार्केट सप्लाई कर्व की बात करें लॉन्ग रन मार्केट सप्लाई कर्व जो है उसका इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का पॉजिटिव स्लोप होता है अल जिस्ट ड्रॉ द डाइग्राम इज़ वेल कि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का जो कर्व होता है वो कैसा होता है दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग और जो लॉन्ग रन मार्केट सप्लाई कर्व जो है अगर वो कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है तो उसका जो कर्व होता है दैट इज़ यूजली हॉरिजोंटल और अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो उसका जो स्लोप होता है मार्केट का सप्लाई कर्व दैट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड ठीक है तीनों के अलग अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इंडस्ट्री क्या इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है कि डिक्रीजिंग है कांस्टेंट uh, uh, है कि इंक्रीजिंग है ठीक है सो द सेम डायग्राम इज़ आल्सो ड्रॉन हेयर कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है अगर वो कॉन्स्टेंट है तो ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल कर्व देखने को मिलेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर और अगर वो इंक्रीजिंग है तो अपवर्ड स्लोपिंग डिक्रीजिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसके इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा हमारा जो है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री and इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन constant कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री और इसमें लॉन्ग रन इक्वलिब्रियम के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर there सिक्स स्पेसिफिक इक्वलिब्रियम कंडीशन जो कि अलग अलग हैं इकोनॉमिक efficiency अभी हमने बात करी थी एलोकेटिव efficiency जिसको बोलते हैं प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑलवेज एट द पॉइंट जहाँ पे हमारा MR और MC जो है वो बराबर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारा कर्व uh, होता है दैट इज़ इक्वल टू जो हमारा प्राइस है एम है और ए है सब बराबर होते हैं और आइडल आउटपुट या ब्रेक इवन आउटपुट कहाँ पे होता है जब प्राइस, ए और ए एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं जहाँ पे हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जल रेवेन्यू मार्जल रेवेन्यू प्राइस सब बराबर होता है मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट कब होती है जहाँ पर हमारा एम सी जो है वो ए टी सी को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करके ऊपर निकल जाती है इफ़ दिस इज़ ए टी सी ए टी सी को कट करके ऊपर निकल गई सो दैट इज़ द मिनिमम प्रोडक्शन पॉइंट ठीक है मिनिमम एफिशेंट स्केल कहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा एम सी ए टी सी और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट सब बराबर होता है सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम अगर ये हमारा मेरा अगर इफ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज़ एम सी ठीक है यहाँ पर बराबर होते हैं और लॉन्ग रन में वी टेक ऑन विलअप बना लेते हैं इन सारे कर्व्स का सो ऑन विलअप जब बनता है बहुत सारे कर्वस का वी ड्रॉ ये एक ऑन विलअप कर्व बन जाता है विट इज़ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सो जहाँ पर हमारा एम सी जो है जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मीट करता है वहाँ दैट इज़ द एफिशिएंट स्केल ठीक है सो आई होप आपको ये सिक्स कंडीशंस जो कि इक्विलिब्रियम की हैं एफिशिएंट एफिशिएंसी की कंडीशंस दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सो यू कैन रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट प्रिवसियर के क्वेश्चन यू कैन सी सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी ठीक है सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय